का टॉपिक होगा त्रिकोणमिति का एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में देखते हैं कि क्या कह रहा है और चलिए इसको समझते हैं और समझने के बाद इसको सॉल्व करते हैं। ओके चलिए समझते हैं इसको। क्या कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी में, इसमें त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, तो सबसे पहले जितना क्वेश्चन कह रहा है इसके बारे में पहले लिख लीजिए, नोट कराउ कीजिए। त्रिभुज एबीसी, त्रिभुज यहाँ बना लीजिए, त्रिभुज एक बना लीजिए। आपको पता है कि हम लोग त्रिभुज में त्रिकोणमिति में हमेशा क्या पढ़ते हैं, हम लोग समकोण त्रिभुज पढ़ते हैं। त्रिभुज एबीसी में बी समकोण है, यानी कि समकोण का मतलब यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, यही ना हमारा समकोण है। जहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनता है उसे हम को क्या कहते हैं, समकोण कहते हैं। तो यहाँ पे बी समकोण है, यानी कि बी यहाँ रह जाएगा। और आप चाहे तो ए को यहाँ रखें चाहे यहाँ रखें, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर यहाँ ए यहाँ रखिएगा तो सी को आपको यहाँ रखना पड़ेगा, अगर सी ए को यहाँ रखिएगा तो सी को आपको यहाँ रखना पड़ेगा। लेकिन जब कह दिया है कि बी समकोण है तो बी यही रहेगा, ठीक है। यदि टैन ए, यानी कि टैन ए इसका मान यहाँ पर दे दिया है, तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। मतलब क्या है कि पहले टैन ए के सहारे से हम यहाँ पे दो चीज़ आपको मिल दिया हुआ है, तीसरा चीज़ आपको निकालना पड़ेगा। निकालने के बाद तो अब ये निम्नलिखित का मतलब ये वाले क्वेश्चन है और ये वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना है और सॉल्व करके इसका आंसर निकालना है, ठीक है ना। तो देखते हैं कि सबसे पहले हम इसको टैन ए के अकॉर्डिंग हम इसको निकालते हैं। टैन ए बराबर, यहीं से चले शुरू करते हैं, बाद में इधर आ जाएंगे हम लोग। तो टैन ए बराबर, यानी कि टैन में भी इस ए इस कोण की बात कर रहा है, टैन ए यानी कि कोण ए की बात कर रहा है, यानी कि जो भी है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा क्या लिखा है, 1/√3। तो 1 यानी कि ये होता है टैन बराबर क्या होता है, देखिए तो यहाँ पे सॉरी मिटा दिया, यहाँ पे टैन बराबर क्या होता है, यहाँ पे पी बी पी और एच एच बी है ना। तो ये क्या हो जाएगा आपका साइन हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको कॉस हो जाएगा, ये आपका टैन हो जाएगा, ठीक है। बाकी सब इसका उल्टा होता है, आप समझ लीजिएगा। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं कि टैन का वैल्यू क्या होता है, पी बाई बी, यानी कि ये हो गया आपका पी, तो ये हो जाएगा आपका बी, यानी कि पी का वैल्यू और ये बी का वैल्यू, यानी पी बराबर आपका क्या मिल गया, 1 मिल गया। तो बी बराबर क्या मिल गया, √3 मिल गया। एच आपको मालूम नहीं है तो एच आपको निकालना पड़ेगा। तो आपका कीजिएगा यहाँ पर पाइथागोरस, किससे, पाइथागोरस से है ना, पाइथागोरस परिमेय से, परिमेय से आप इसको निकालिए। पाइथागोरस परिमेय क्या कहता है कि एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस में क्या होता है बी स्क्वायर है ना। तो आप चाहें तो यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग यानी कि कह रहा है तो परपेंडिकुलर, यानी कि जहाँ पे ए की बात करें तो ए के सामने वाली भुजा क्या है, ये है, यानी इसके सामने ये खड़ा है ना, तो लंब ये हो जाएगा। तो लंब आप लिख सकते हैं 1 और बी मतलब √3। आपको एच निकालना है, एच क्या आएगा, दो चीज़ आपको मालूम है, तीसरा चीज़ आपको निकालना पड़ेगा। चलिए तो एच स्क्वायर बराबर क्या होता है, पी स्क्वायर, यानी कि एक का स्क्वायर कर लो और बी स्क्वायर मतलब √3 का होल स्क्वायर कर लो, ठीक है। तो एच स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर 1 होता है और √3 यानी स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा तो कितना बचेगा 3। तो एच स्क्वायर बराबर आ गया 4, तो एच बराबर क्या आ गया, √4। और 4 जो होता है ना बाहर निकलता है प्लस माइनस 2 लेकर के। तो आप हम लोग क्या बताइए, किसी का लेंथ आप माइनस में कभी मानते हैं क्या, नहीं मानते हैं ना, तो हम लोग प्लस वाले वैल्यू को लेकर चलते हैं, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे हम लिख दिए 2। अब आपके पास तीनों चीज़ प्रेजेंट है, आप चाहें तो किसी भी त्रिकोणमिति रेशियो को अनुपात को आप ज्ञात कर सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन 1 से हम लोग लेकर चलते हैं, तीनों चीज़ आपके अवेलेबल है, यहाँ पे चाहें तो आप लिख लीजिए है ना, 2 यहाँ पे लिख लीजिए। अब यहाँ देखिएगा फिर कह रहा है कि साइन ए किसका है ना, साइन ए क्वेश्चन फर्स्ट करेंगे, साइन ए डॉट कॉस ए है ना, कॉस सी प्लस में कह रहा है कि कॉस ए डॉट साइन सी, ये चीज़ आपको ध्यान देना है। अब आपको कह रहा है कि साइन ए का मतलब, साइन ए ये अल्फ़ाबेट ए सी बी कुछ भी रहेगा फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट क्या है कि आपको पी बाई एच तो पी बाई एच, बी बाई एच तो बी बाई एच, पी बाई बी तो पी बाई बी, ये सब कुछ वहीं रहेगा भले ही कुछ भी यहाँ पे दिया हुआ हो, ठीक है। तो साइन थीटा मतलब क्या है, साइन ए का मतलब क्या होता है, पी बाई एच डॉट करेंगे, अब क्या करेंगे यहाँ पे पी बाई एच हो गया, तो कॉस का वैल्यू कितना होता है, देखिए तो बी बाई एच, ठीक है, प्लस कॉस ए का होता है बी बाई एच, साइन का मतलब क्या होता है पी बाई बी, इस डॉट का मतलब मैंने क्या बोला था कि डॉट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, क्या होता है डॉट का मतलब होता है मल्टीप्लाई यानी कि गुणा, ठीक है। अब कह रखिएगा इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है कि साइन ए, ए का मतलब इस पे बात कर रहा था, जब इस पे बैठा है कोई आदमी तो इसके सामने वाला लंब ये होगा, तो लंब क्या हो जाएगा हमारा 1, क्या हो जाएगा लंब 1 हो जाएगा 1। जब ये लंब है तो आपको पता है कि कर्ण कभी किसी भी हाल में नहीं बदलता, तो कर्ण कितना है 2, डॉट है तो डॉट। अब कह रहा है कि कॉस सी
किसकी, कॉस सी, यानी अब इस कोण की बात कर रहा है, इस कोण की बात कर रहा है, इस कोण की बात कर रहा है, यानी कि कोई लड़का यहाँ पे खड़ा था, इसके सामने कौन खड़ा है, ये आदमी खड़ा है, ये वाला आदमी पर्सन खड़ा हुआ, तो ये इसके इसके लिए ये लंब हुआ, क्या हुआ, मान लीजिए एक आदमी यहाँ पे खड़ा है और एक आदमी यहाँ पे खड़ा है, अच्छा ये लंबा आदमी है, चलो तो इसके सामने ये खड़ा है तो ये इसके लिए लंब है, क्योंकि कह रहा है भाई बहुत लंबा आदमी है ये, है ना, तो ये इसका क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। अब इसके सामने अगर ये खड़ा है तो ये इसके लिए लंब है, इसके लिए लंब है, तो उसी तरीके से क्या है ना, यहाँ पे सी जो है ना, सी के सामने रूट थ्री, ये वाला वैल्यू लंब है, यानी कि जब ये लंब हो जाएगा, ये जब लंब इसके केस में ये लंब होगा तो क्यों नहीं होता, आधार क्या हो जाएगा थ्री, सॉरी आधार हो जाएगा वन, तो यहाँ पे आपको क्या चाहिए, आधार ही तो चाहिए, आधार ही तो चाहिए, तो आधार कितना लिख लीजिएगा आप, एक, और इसके क्या नाम है, हाइपोटेन्यूज कितना है, दो, कितना है, दो, चलिए फिर प्लस, ठीक है। अब यहाँ पे बी कितनी है देखिए, तो किसके लिए, कॉस ए, कॉस ए, यानी कि फिर अब कॉस को यहाँ पर लगा बैठा दिया, इसके लिए लंब ये हो जाएगा, इस पर जो बैठा था इसके लिए लंब हो तो ये कौन होगा, आधार तो ये नहीं हो जाएगा, तो आधार आप कर लीजिएगा यहाँ पे रूट अंडर थ्री बाई टू डॉट पी, यानी कि साइन सी, यानी ये इस पर बात कर इसके लिए, तो इसके लिए लंब ये हो जाएगा ना, साइन सी, सी का मतलब कितना, रूट अंडर थ्री, थ्री बाई टू, है ना, ये बात अगर समझ में आ रही है तो ठीक है, नहीं समझ में आ रही है तो थोड़ा सा एक चीज़ और हम बनाना चाह रहे हैं, यहाँ पे बना दे रहे हैं, देखिएगा यहाँ पे मैंने बना दिया ए बी और सी, यानी कि रूट अंडर थ्री वन और टू, अगर ए की बात कर रहा है जैसे यहाँ पे इस वाले में बात कर लेते हैं, ए का, ए की बात करेंगे तो ये हो जाएगा आपका लंब, है ना, और ये हो जाएगा आपका कितना, आधार, लेकिन इस केस में अगर ये बात कर रहा है तो इसके सी के केस में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका लंब, है ना, और ये हो जाएगा आपका आधार। तो अब आप यहाँ पे यानी कि आपको समझ में आ गया होगा कि कौन सा किसको हम लेंगे, अगर ए पे है तो इसके, ए पे है इसके लिए ये लंब होगा तो ये आधार होगा, और सी पे है तो इसके लिए ये लंब होगा तो ये आधार होगा, और इसी के अनुसार आप इसको बैठा दीजिएगा, ठीक है। अब देखिएगा वन को वन से गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, वन होगा, दो गुना दो कितना होता है, चार होता है, और रूट थ्री गुना रूट थ्री कितना आता है आपको, थ्री आता है, क्योंकि देखिए रूट थ्री गुना रूट थ्री, आप चाहें तो इसको रूट अंडर नौ लिख दीजिएगा, नौ कितना का होता है, तीन का होता है, या फिर ऐसे कर सकते हैं रूट थ्री गुने रूट थ्री बराबर होता है रूट अंडर थ्री का होल स्क्वायर, तो स्क्वायर से भी रूट कट जाता है, ठीक है ना। देखिए तो फाइनली कितना निकल जाएगा आपका, तीन ही निकल के आएगा। अब यहाँ देखिएगा इसलिए मैंने रूट थ्री मल्टीप्लाई किया तो थ्री आया, और दो दूना चार, अब इसको देखिएगा दो और चार का एलसीएम कितना होता है, चार होता है, चार रकम चार, फिर थ्री रकम तीन, तीन एक चार, चार बटा चार, जब कैसे करोगे तो एक आ जाएगा आंसर, यानी फर्स्ट वाले का आंसर क्या आ गया आपका, एक आ गया, फर्स्ट वाले का आंसर कितना आ गया, एक आ गया, ठीक है। तो अब देखते हैं इसका सेकंड वाले क्वेश्चन को कैसे हम लोग करते हैं, क्वेश्चन सेकंड वाले क्वेश्चन को कैसे करते हैं, ठीक है। इसको रहने दीजिएगा, इसको इसको अभी जरूरत पड़ेगी, इसको बिठाइएगा नहीं, बिठा नहीं रहे, इसको रहने दे रहे हैं, फिर इसको देखते हैं सेकेंड नंबर क्वेश्चन को क्या कह रहा है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि कॉस ए, चलो इसी पर बना दे, इसी पर बना दे इसको, ठीक है। कॉस ए यानी कि कॉस है तो कॉस का वैल्यू कितना होता है, देखिए तो बी बाई एच, यहाँ पर लिख लीजिएगा बी बाई एच, है ना, डॉट है तो डॉट, कॉस सी यानी कि उसका भी बी बाई एच, एच कॉस कहीं भी रहेगा तो बी बाई एच होगा, और माइनस साइन, साइन का मतलब क्या होता है, पी बाई एच, है ना, और पी बाई एच और डॉट है तो साइन पी बाई एच हो जाएगा, कोई दिक्कत अभी तक तो नहीं है। फिर नेक्स्ट देखते हैं कि क्या करना है हमको, बी मतलब क्या, कॉस ए के केस में ए की बात कर रहा है, तो ए की बात कर रहा है तो इस वाले में चलिए, इस वाले में चलिए, तो इस वाले में चलिएगा, है ना, देखिएगा क्या हो रहा है, इस वाले में चलिएगा तो लंब तो ये हो जाएगा ना, और आधार ये हो जाएगा, तो आपसे क्या पूछ रहे हैं, आधार, तो आधार इसकी कितनी है, बी का वैल्यू कितनी है, इसकी बी का वैल्यू कितनी है, रूट अंडर थ्री है, रूट अंडर थ्री लिखिए एच टू। अब यहाँ पे पी इस केस में कह रहा है कि कॉस सी, यानी सी का मतलब सेकेंड वाला, यानी इसके बारे में बात कर रहा है, इसके बारे में, तो ये जब ये लंब हो जाएगा, ये वाला जब इसका लंब हो जाएगा, ठीक है, तो ये वाला आधार होगा, आपको चाहिए कि यहाँ पे आधार चाहिए, तो आधार कितनी है, एक है, एक बटा में दो, फिर एक बटा में दो लिख लीजिए यहाँ पे, माइनस पी साइन ए का मतलब साइन ए, फिर इसके बारे में बात कर रहा हूँ, साइन ए, ए का मतलब यानी कि ये इसका लंब हो जाएगा, तो ये लंब कितना हो जाएगा, एक, और आधार तो दो है ही, कोण तो दो है ही। अब देखिए फिर कह रहा है कि साइन सी, सी का मतलब फिर इसके बारे में बताते, इसके सामने लंब कितना है, रूट अंडर थ्री, थ्री का बट एच कितना है, टू। अब देखिएगा इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा रूट अंडर थ्री बाई फोर, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट अंडर थ्री बाई फोर, है ना, थ्री बाई फोर,
तो ये फोर से फोर कैंसिल हो गया, क्या बच गया आपके पास, जीरो बच गया। तो आई होप कि ये क्वेश्चन बहुत अच्छा लगा होगा, आपको समझ में भी आया होगा। अगर समझ में आया है तो अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब।